Canadians have been buying Hyundai ponies at the rate of 10 every hour. A pony, and it's supposedly the only running one left in Western Europe. Hi, Oni. What did it do for us? Well, he placed orders for over £32 million worth of British engineering equipment to build his little... तो फ्रेंड्स, आपकी फ्यूचरिस्टिक कार के अंदर अब आ चुके हैं। मेरे साथ है, यानी कि योर कार एडवाइजर के साथ है मिस्टर विपिन जी, जो कि एक्सपर्ट है इलेक्ट्रिक कार्स में। तो आज हम आपके लिए स्पेशल शुद्ध हिंदी में आपके लिए टेस्ट ड्राइव डेमोंस्ट्रेशन लेके आए हैं वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर आयोनिक 5। तो दोस्तों, चलो चलते हैं एक टेस्ट ड्राइव पे। विपिन जी से बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे माइंड में भी, और आपके माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों और विपिन जी, आज हमें गाइड कीजिए कि ये गाड़ी हमें कब लेनी चाहिए, क्या बेनिफिट है, और आज के टाइम में हमें इलेक्ट्रिक लेके फायदा है, और ये कैसे फ्यूचरिस्टिक फीचर है जो कि हमने आज तक नहीं देखे हैं और Hyundai हमें दिखा रही है। तो हमें ये चीज बताइए आप। सिमर जी, देखो ऐसा है, जिस तरह से रोजमर्रा का आपको पता ही है कि जैसे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है कि आप समझ सकते हो कि चंडीगढ़ जैसे शहर में भी अब सांस लेना थोड़ा सा मुश्किल है जी। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि पोल्यूशन फ्री कार है जी, नो एमिशन जिसे हम कहते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल। और साथ में आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसमें आपको बेस्ट टू बेस्ट माइलेज मिलती है। अच्छा? जो कंपनी जो क्लेम कर रही है 631 किलोमीटर क्लेम कर रही है। दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी है। इसमें तो हमें अगर आप कहें 613 किलोमीटर है, तो लगभग आप कहें अगर मैं 300 किलोमीटर ड्राइव करके कहीं जाना चाहूं, नियर अबाउट कहीं घूमने जाना चाहूं, तो बड़े इजीली जा सकता हूं, अप एंड डाउन कर सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो ठीक है, जो हमने कार सेल करी है का जो कस्टमर सेटिस्फेक्टरी फीडबैक है कि जो माइलेज ले पा रहे हैं वो 520 और 500 के बीच में है। ओके ओके ओके। तो बेसिकली ये डिजाइन कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद आया, इतना इंस्पायरिंग डिजाइन Hyundai लाती कहां से है, मतलब ये नहीं पता लगा। सर देखिए, ये जो कार डिजाइंड है वो इजी एमपी प्लेटफॉर्म पे डिजाइन है। ओके। जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स के लिए बनाया हुआ है। जो वर्ल्ड में जो जितने भी इलेक्ट्रिक कार है, मोस्ट पॉपुलर कार जैसे टेस्ला है, वोल्वो की कार्स है, वो इजी एमपी प्लेटफॉर्म पे तैयार है। तो हमारी Hyundai की जो ये आयनिक है, ये भी इलेक्ट्रिक ग्लोबल मॉड्यूल के ऊपर ही डिजाइन है, जो कि इलेक्ट्रिक कार के लिए एक सबसे बेस्ट बेनिफिट वाला टूल। ओके। तो मुझे एक याद आ रही है, मुझे गाड़ी बहुत पोनी, जब आप बात करें Hyundai की, मैं पोनी नाम हाँ, जैसा कि आपने बताया जी, पोनी जी, जो Hyundai की जो पहली गाड़ी थी जी, तो उसी से ही इसको इंस्पायर होके इन्होंने डिजाइन किया है जी, तो लोगों को काफी पसंद आई, क्योंकि इसका जो डिजाइन, अगर आप ध्यान से डिजाइन देखते ना, तो पैरामेट्रिक डिजाइन थोड़ा किया गया, जिसके कारण जैसे आप, मैं हर एक वीडियो बनाता हूँ उसमें आप देखिए, आजकल क्रेटा में भी पैरामेट्रिक डिजाइन आ चुका है जी, जी, जी। और मुझे Hyundai की बात अच्छी लगती है कि फ्यूचरिस्टिक के हिसाब से चलती है। अगर ब्रांड को देखेंगे, एक ऐसे ही ब्रांड होना चाहिए जो कि फ्यूचर के हिसाब से चले। आज की डेट में जैसे एनवायरमेंट फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है जी, 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 और साथ ही अगर बात करें कि आज की डेट की जो, और हम जनरेशन भी है, इंडियन एक ग्रोइंग मार्केट हो चुका है, उसके साथ अगर हम देखेंगे प्राइस की, आजकल इंडिया में इतनी नहीं, बट देखिए आजकल टाटा भी बहुत अच्छी इलेक्ट्रिक लेके आ चुका है लो बजट में, बट अगर हम बात करें किसी प्रीमियम गाड़ी की जिसमें फ्यूचर के साथ एंजॉयमेंट के साथ एक रिलैक्स फीचर भी मिले, बिकॉज सम टाइम वी लाइक अ कार जो कि हमारे साथ ऐसी गाड़ी हो जो कि फ्यूचर दिखाए हमें कि हाँ, अभी आने वाले टाइम में अगर मैं 2060 की बात करता हूँ, उस टाइम भी मेरे पास ऐसी एक गाड़ी होगी। तो मुझे लगता है कि Hyundai ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील आ रहा है गाड़ी के अंदर, हम चला रहे हैं गाड़ी को, बहुत मजा आ रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि कोई वाइब्रेशन है या कुछ है, और इवन की इलेक्ट्रिक कार होने की वजह से साउंड नहीं है, वो कि बहुत अच्छा रिलैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैं जानना चाहता हूँ इसका प्राइस कितना है। प्राइस सर इसका 46,05,000 46,05,000 इज द बेसिक प्राइस ऑफ दिस कार। तो क्या ये गाड़ी ये 40 लाख रुपए जस्टिफाई करेगी क्या सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल, हमने इसमें आपका सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा हुआ सर, हम अडास
ADASK लेवल 2 लेके आए हुए हैं इस कार में, वो भी 21 फीचर्स के साथ सर। ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के ये चीज के लिए। अगर हम ऑल ओवर अगर हम बात करते हैं आज विपिन जी, मुझे और मेरे कस्टमर यानी अगर हम बात करें मेरे जो दोस्त हैं मित्र हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको गाइड कीजिए, फीचर्स बताइए इस गाड़ी में कि ऐसे कौन से फीचर हैं के लिए हम 40 लाख रुपए लगाएं, हमें जिसके लिए फायदा हो कि हाँ भाई मुझे 40 लाख रुपए लगा के फायदा मिले। तो दोस्तों और आपको एक चीज दिखाता हूँ, आप क्रेटा में भी सनरूफ देखते हैं, इसमें भी है, सनरूफ नहीं है बस सनरूफ में ही देख रहे हैं क्या चीज है, कितना मजेदार फीचर और ऐसे लगता है कि इंस्पायरिंग और एक यूनिक फीचर दिया गया है। विपिन जी बिल्कुल सिमर जी, हमारा दिल खुश किया इसने सनरूफ फीचर दिया है हम इसमें आपको, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, विजन रूफ आपको इसमें मिल रहा है, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया अच्छी विजिबिलिटी है बाहर आप देख सकते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो एक हमने इसमें काफी अच्छा फीचर दिया। तो विपिन जी मैं तो दोस्तों आ चुका हूँ पीछे की तरफ, और दोस्तों आगे की जितनी लग्जरी है विपिन जी क्या कहते हो, पीछे भी उतनी लग्जरी है सर आपको, हम पीछे रेक्लाइनिंग सीट और साथ में इलेक्ट्रिक स्लाइडिंग सीट एडजस्टमेंट दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं पिछली तरफ, जब आयोनिक 5 के अंदर आओगे सबसे पहली बात तो एसी का इलाज है, गर्मी आ गई है, एसी बहुत जरूरी है। और देखिए इस टाइप की लग्जरी कार में इतने अच्छे फीचर होंगे भी, क्योंकि अगर आप तो 46 लाख रुपीज लगा रहे हैं तो ऐसे फीचर मिलेंगे भी। और दोस्तों अच्छी बात क्या कि पीछे जैसे आपने देखे होंगे टीसों के अंदर आपको बटन दिए गए हैं रिक्लाइनिंग सीट के लिए, इसमें भी दिए गए, बट दोस्तों अगर इससे आगे की सीट जो है रिक्लाइन होती है, बट दोस्तों अगर हम ये वाले बटन अगर प्रेस करते हैं तो आपके जो पीछे वाली सीट है वो भी एडजस्टमेंट होती है। तो कितना अच्छा फीचर है ये देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये सीट अपनी आगे जा रही है, तो कितना अच्छा फीचर है कि मैं अपनी सीट भी पीछे वाली सीट भी रिक्लाइन और आगे पीछे एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, कितना अच्छा फीचर है। और साथ ही अगर देखूंगा और पीछे भी कर सकता हूँ, कितना रिलैक्सिंग फीचर है, तो एंजॉयमेंट वाला फीचर लग रहा है मुझे। और अच्छी बात, सबसे अच्छी बात मुझे विपिन जी इस गाड़ी में क्या लगती है कि स्पेस, अब देखिए जितना अच्छा गाड़ी के अंदर स्पेस होगा उतना ही बंदा रिलैक्स करेगा, मजेदार होगी। अगर मैं किसी 300 किलोमीटर ड्राइव पे भी जा रहा हूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाँ भाई मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ पर मजेदार तरीके से बैठा हुआ हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा फील आ रहा है, क्या कहते हो विपिन जी? सिमा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस गाड़ी में आपको जो है 3000 mm का व्हील बेस मिल रहा है, जो इस सेगमेंट की कार किसी भी कार में नहीं आपको मिलेगा। क्या बात है विपिन जी, बड़ा दिल खुश किया आपने। और अच्छी बात क्या है कि जो विपिन जी क्या बात है, इसकी साइड आर्म रेस्ट है पूरे वाइट दिए गए हैं, एम्बिएंट लाइट भी दी गई है, और साथ ही में बड़ा अच्छा कंफर्ट फील आ रहा है। क्या इसमें भी अपने हुंडई ने आपको एनवायरमेंट का कुछ यूज किया गया, रिसाइकल कुछ यूज किया गया? नेचर से इंस्पायर्ड है सर, इसमें रिसाइकल आइटम्स को हमने यूज किया है इसके इंटीरियर को डिजाइन करने में। ओके, तो आप देख ही सकते हैं सर, बहुत मजेदार मजा आ गया इसमें। और अच्छी बात क्या है दोस्तों कि आपको पिछली तरफ कर्टन भी, आप देखिए धूप पड़ रही है, अब मुझे कर्टन की जरूरत है, मेरी आंखों में लाइट ना पड़े, तो दोस्तों कितना अच्छा फीचर है, बड़ा एंजॉयमेंट वाला फीचर है, और साथ में लैंप भी दिया गया है। और सनरूफ की बात अच्छी है कि देखिए बड़ा अच्छा ओपन तरीके है, तो बड़ा अच्छा फील आ रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है किसी की भाई 40,000 लगाए हुए दिख रहे हैं। और दोस्तों अच्छी बात क्या है विपिन जी, मुझे एक अच्छी चीज लगी कि जो इसका डैशबोर्ड है बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि मैंने 80-90 लाख की गाड़ी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बट प्रैक्टिकल में देखिए इतनी इन्वेस्टमेंट है नहीं, बट 40,000 भी मुझे अब जस्टिफाई लगने लग गया है। 40 लाख में कॉकपिट डिजाइन आपको हमने इंटीरियर में, आप डैशबोर्ड देख सकते हैं आप जी, इसका जो ऑडियो वीडियो नेविगेशन सिस्टम है आप देखिए कितना स्मूथ इंटरफेस है जी, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, आप देखेंगे इसका नेविगेशन स्मूथ टचिंग है, जस्ट वन क्लिक, आप जैसे ही हम क्लिक करेंगे काफी यूजर फ्रेंडली, और इसका जो इंटरफेस है काफी। विपिन जी एक चीज बताइए, अब मुझे इस फीच गाड़ी के बारे में कुछ फीचर बताओ जो कि यूजफुल भी हो, बेनिफिट भी हो, अगर मैं सिटी में चला रहा हूँ माइलेज क्या दे रही है, ड्राइवेबिलिटी कैसी है, आपको जब आप भी गाड़ी चला रहे हैं आपको कैसा फील है, नपील आ रहा है, वो सब कुछ मुझे डिस्क्राइब कीजिए। सर मैं अगर आपको इसके ड्राइव एक्सपीरियंस की बात करूँ, काफी कन्वीनियंट कार है, काफी कम्फर्टेबल कार है, लॉन्ग ड्राइव के लिए तो सुपर्ब जी। और इसके मैं फीचर्स की बात करूँ, खास बात जो इसमें है आपको ड्यूल जोन एसी मिल रहा है। अच्छा, दिया अभी जो क्रेटा में रिसेंटली हमने जी जी जी, जी, जी इसमें भी आपको ड्यूल जोन एसी मिल रहा है। अच्छा, आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप लेफ्ट साइड राइट साइड का जो भी आपको टेम्परेचर सेट करना है आप कर सकते हैं। और इसमें क्या ADAS भी दिया गया क्या? ADAS भी बिल्कुल सर, ADAS भी आ रहा है इसमें 21 फीचर्स के साथ ADAS आ रहा है, स्मार्ट क्रूज आपको मिल रहा है, अडैप्टिव जिसे हम अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल कहते हैं, स्पीड लिमिटर के साथ है। ओके, तो काफी अच्छे फीचर्स हैं सर इसमें। अच्छा, और देखिए मुझे भी विपिन जी एक चीज देखी मैंने नोट डाउन की, जैसे नॉर्मल अगर क्रेटा वगैरह
जैसा कि आप डैशबोर्ड में देखेंगे उसमें जो स्क्रीन का कलर है ब्लैक आता है, इसमें व्हाइट दिया गया है और बैटरी हेल्थ के बारे में भी बताएगा और माइलेज क्या दे रही है बीपी? माइलेज सर आपको जो आपको ऑन रोड माइलेज मिल रहा है वो 520 किलोमीटर मिल रहा है। अच्छा, और जो कंपनी क्लेम कर रही है वो 631 किलोमीटर क्लेम कर रही है। खास बात तो ये है कि इसमें लेवल 4 जो रीजनरेटिव सिस्टम आपको मिल रहे हैं। अच्छा, आप उन बैटरी रीजनरेटिव सिस्टम को यूज करके, जो पैडल दिए हुए स्टीयरिंग के ऊपर, इनका यूज करके आप इसमें बैटर टू बैटर माइलेज ले सकते हैं। अच्छा विपिन जी, मुझे इसके अंदर गियर शिफ्ट करने का नॉब नहीं दिख रहा है, मुझे यहाँ पे स्पेस दिख रही है, मैं बड़ा हैरान हूँ, काफी देर से नोट डाउन कर रहा हूँ। देखो जो आपको कहा है ये स्पेस आपको दिख रहा है। अरे वाह विपिन जी, ये क्या चीज है सर? ये स्लाइडिंग आर्म रेस्ट है। वाह क्या बात है विपिन जी, क्योंकि वॉक थ्रू कैबिन है सर, स्पेस ही स्पेस मिलेगा आपको। अच्छा, चाहे आप आगे देखें स्पेस ही स्पेस है। ओह माय गॉड, दैट्स गुड। विपिन जी इसका मुझे ये तो बताओ गियर लीवर है कहाँ पे? गियर लीवर सर जस्ट राइट साइड ऑफ द क्या बात है, ये तो आपने मुझे फिएट की याद करा दी, जो हम पुराने जमाने में फिएट यूज किया करते थे उसकी याद करा दी एक बार। तो विपिन जी बड़े मजेदार है, कन्वीनियंट सर, काफी कन्वीनियंट फीचर्स इस कार के, आप जैसे देख पा रहे हैं कार के अंदर। जी बिल्कुल, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग और टिल्टेल स्टीयरिंग आपको इसमें मिल जाता है। ओके, और विपिन जी एक चीज बताइए, जैसे मैं अगर गाड़ी लूँ 46 लाख रुपए लगाता हूँ तो मैं मैक्सिमम पे ड्राइविंग तो करूंगा नहीं, मैंने अपना ड्राइवर रखा होगा, तो अगर मैं अपनी सीट कंफर्ट, जैसे जैसे कहो ना कि कहीं हम कहीं घूमने जाते हैं फिर कहीं मसाज पार्लर में जाते हैं, तो वहाँ पे सीटें होती हैं जो उसमें आपके थाई सपोर्ट के साथ आपके नीचे लेग्स को भी सपोर्ट होती है, क्या ऐसा भी इसमें क्या है? बिल्कुल सर, रिक्लाइन कर सकते हैं क्या सीट में? सर आपको इसमें जीरो ग्रेविटी सीट फंक्शन मिलता है। अच्छा, आपको थाई सपोर्ट मिलता है, जस्ट इन वन क्लिक यू कैन पुट योर सीट डाउन। ओके, और काफी अच्छे फीचर्स है कार के अंदर सर, ड्राइवर के लिए भी और को ड्राइवर के लिए भी इवन। अच्छा, इसमें क्या हीटेड सीट जैसे आ रही है टूसॉन में वो भी है? सर इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलेंगी और हीटेड सीट्स भी मिलेंगी। भाई विपिन जी, 12 वे सर, 12 वे सीट एडजस्टमेंट मिल रही है आपको इलेक्ट्रिकली। ओ माय गॉड, क्या बात है विपिन जी, और बोट आपका को ड्राइवर भी आपको दोनों को। ओके ओके, तो बहुत बढ़िया है ये तो विपिन जी, बड़ा मजेदार चीज है ये तो। फीचर्स है सर कार के अंदर, बॉस का, इवन आपको बॉस का साउंड सिस्टम मिल रहा है सर। क्या बात है विपिन जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, बॉस तो क्वालिटी में अच्छी है। वेरी वेरी, देखिए विपिन जी मुझे ऐसा लगता है जब मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, देखिए मैं पीछे इसलिए बैठा कि अपने दोस्तों को भी बता सकूं कि पीछे बैठने का मजा कैसा है। दोस्तों जब भी हम गाड़ी के अंदर पीछे बैठते हैं, पहली बात तो ये कि जो इंटीरियर है गाड़ी का क्वालिटाइज है, सुपीरियर लेदर है, इवन कि एम्बियंस बहुत अच्छा है, मतलब कि आप देखेंगे हर एक आर्म रेस्ट पे आपको एम्बियंस लाइट मिलती है, स्पेस भी अच्छा खासा दिया गया है, खुला डुल्ला स्पेस दिया गया है, साथ ही में अगर आप देखिए ऑल ओवर व्यू, अगर नाइट ड्राइविंग हो रही है इसमें सनरूफ की क्वालिटी बहुत अच्छी है और विजन बहुत अच्छा है, और साथ ही में अगर आप डैशबोर्ड को ध्यान से देख लें एक बार तो आप कहें भाई हाँ भाई फ्यूचरिस्टिक में मैं पहुंच गया हूँ, 2060-50 की गाड़ी मेरे हाजिर में आ चुकी है। ऑल ओवर देखिए अगर मैं देखूं फीचर के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों आप भी और विपिन जी, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी गाड़ी, क्योंकि देखिए अगर मैं 46 लाख रुपए लगा रहा हूँ जिसके अंदर मुझे इतने कम्फर्ट फीचर मिल रहे हैं, सुपीरियर बात करें, अगर क्वालिटी की बात करते हैं विपिन जी, क्वालिटी कैसी है गाड़ी की? क्वालिटी सर देखो, जिस गाड़ी को 5-स्टार रेटिंग वर्ल्ड वाइड मिली हो तो द बेस्ट कार है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से 5-स्टार रेटिंग हो चुकी है गाड़ी की। बिल्कुल सर बिल्कुल, वर्ल्ड तो बहुत अच्छी है, 5-स्टार रेटिंग। ओके, 5-स्टार रेटिंग के साथ है, अडास के 21 फीचर्स हैं सर कार में। ओके, साथ में आपको जो है इसका जो है साथ में आपको ब्लू लिंक के 70+ फीचर्स इस गाड़ी में मिल रहे हैं सर। ओह माय गॉड, देखिए हुंडई, देखिए विपिन जी मुझे क्यों पसंद है, अब देखिए पिछले 8 सालों से मैं हुंडई के साथ जुड़ा हुआ हूँ, काम करता हूँ, आपको भी तो पता है हम बड़े लंबे समय से दोस्त हैं। अब देखिए मुझे अच्छी बात क्या लगती है कि हुंडई में एक तो चाहे वो न्योस हो चाहे आयोनिक 5 हो, क्वालिटी में सेफ्टी में हुंडई कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। दूसरी बात है फ्यूचर की फीचर दिखाता, आप देखिए हाल ही फिलहाल में हुंडई ने क्रेटा लॉन्च की है, बहुत अच्छे फीचर, क्वालिटी के फीचर, नेक्स्ट लेवल की फीचर हुंडई दे रही है और रीजनेबल प्राइस में। मुझे नहीं लगता कि देखिए अगर मैं ये गाड़ी अगर परचेज करता हूँ कोई अदर ब्रांड है मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू कोई 1 करोड़ से नीचे आएगी, बट हुंडई जैसा ब्रांड इतने कॉम्प्रोमाइजेबल प्राइस में यानी कि रिलायबल प्राइस में आपको इतने अच्छे फीचर देना बहुत बड़ी बात आ जाती है, बहुत वैल्यू फॉर मनी मेरे अकॉर्डिंगली मुझे लगती है ये चीज की, हाँ भाई हमने अगर पैसा लगाया तो ये चीज जस्टिफाइड भी हो रही है पूरी, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये चीज। तो आप क्या कहते हैं कि अगर तो मैं देखिए अगर ये गाड़ी अगर कोई अगर मेरे पास किसी दिन हुई
होगी, तो मैं तो इस गाड़ी को जरूर परचेज करूंगा। मुझे बहुत एक्सपीरियंस अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छी फील एंड पीला और इतने अच्छे फीचर। और बेसिकली दोस्तों, बेसिकली नॉर्मल ड्राइविंग के जो फीचर्स आते हैं वो Hyundai देखिए क्रेटा, वेन्यू, न्योस सब में देती है। इसमें अलग क्या है बेसिकली विपिन जी, मुझे भी जो महसूस हुआ कि एक तो इलेक्ट्रिक होने की वजह से फ्यूल सेविंग है। अब देखिए जिन लोगों की डेली यूटिलिटी है कि हाँ भाई ऑफिस जाना है, घर से वापस आ गए, ऑफिस जाना है, घर से वापस आना है, और दोस्तों कहने की बात है कि सिर्फ 18 मिनट में 80% बैटरी चार्ज होती है, क्या विपिन जी ये सही बात है? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। सिमर जी आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, 18 मिनट में ये 80-100% चार्जिंग का भी इसमें हमने प्रोविजन दिया हुआ है। ओके, पर इन इंडिया 350 किलोवाट के चार्जेस अभी नहीं है, जो जैसे भी इन फ्यूचर अगर चार्जेस आते हैं तो 18 मिनट का भी प्रोविजन है इसमें। अच्छा, तो और क्या कहते हैं नॉर्मल चार्जिंग टाइम कितना लेती है घर में अगर मैं चार्जिंग लगा दूं? देखो हम कार के साथ आपको दो चार्जर दे रहे हैं, 11 किलोवाट का चार्जर दे रहे हैं जो विद इन 6 आवर्स आपकी 80-100% चार्ज कर देगा आपकी कार को। अच्छा, और साथ में एक हम आपको 3.3 किलोवाट का चार्जर दे रहे हैं। ओके, जो 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 कि है आपको 24 आवर्स के चार्जर जो हम आपको दे रहे हैं वो 24 ऑन अब जो है चार्जिंग का टाइम लेता है, जो पोर्टेबल चार्जर हम आपको साथ में दे रहे हैं। अच्छा विपिन जी, मुझे तो बहुत सेटिस्फैक्टरी लगी। देखिए मुझे ये लगता है कि आने वाले टाइम तो देखिए मोस्ट प्रोबेबली 20-40% इलेक्ट्रिक कार्स का हो जाएगा, कहीं ना कहीं शेयर बढ़ेगा इन चीजों का, और मुझे लगता है कि आयोनिक 5 अपनी जगह बना लेगी एक लग्जरी सेगमेंट की कारों में। तो आपको क्या लगता है विपिन जी? सर बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सिमर जी। बात ऐसी है कि अभी तक जो है हमने 35 यूनिट सेल कर चुकी है मार्केट में। अच्छा, हम चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं सर? जी जी, ट्राई सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। ट्राई सिटी में अभी तक हम 35 यूनिट सेल आउट कर चुके हैं। ओके, तो ये तो बहुत अच्छा मतलब की नंबर है मेरे ख्याल से। मुझे नहीं लगता था कि इतनी बड़ी लग्जरी कार को कोई इतना प्यार देगा, पर ये तो बहुत अच्छी बात है विपिन जी की इतना प्यार, कोई लोग इतना प्यार दे रहे हैं इस गाड़ी को। और मुझे भी इसका डिजाइन बहुत अच्छा लगा विपिन जी, मुझे बहुत मजा आया इस चीज को देख के। डिजाइन पे बेस है सर गाड़ी, पैरामेट्रिक इसके जो है आगे की फ्रंट जो लाइट्स हैं पैरामेट्रिक शेप में, इसके DRL दिए हुए हैं, काफी यूनिक डिजाइन है सर जी। वैसे भी इसको अवार्ड से नवाजा गया है बेस्ट कार, बेस्ट डिजाइन कार ऑफ द ईयर सर। अच्छा, बेस्ट कार ऑफ द ईयर मिल चुका है गाड़ी को, तो बहुत बढ़िया बात है विपिन जी। बिल्कुल, तो मुझे तो ये लगता है कि अगर हम लॉन्ग टर्म में क्या सोचते हैं, बैटरी हेल्थ कितना टाइम निकाल देगी इसकी, 4 साल 5 साल 6 साल कितना निकाल देगी? देखो मैं अगर इसकी बैटरी की बात करूं, 72.62 वाट की बैटरी हम आपको दे रहे हैं कार में। अच्छा। और साथ में साथ आपकी एक इंश्योरेंस का भी ध्यान रखा गया है, ठीक है, 8 ईयर्स की वारंटी दे रहे हैं हम कार में। अच्छा, कार की जो इसकी बैटरी की जो वारंटी है वो 8 ईयर्स अप टू 160,000 किलोमीटर का हम वारंटी दे रहे हैं कार में। तो पीस ऑफ माइंड है, ऐसा आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आपका इसमें हम आपको 8 ईयर्स की वारंटी दे रहे हैं बैटरी। अच्छा विपिन जी, एक चीज बताइए, अगर देखो मेरी गाड़ी में देखो सर्विस तो होनी नहीं इलेक्ट्रिक कार की, जी, जी, जी। अगर मैं सोचूं कि मेरी बैटरी में से बैटरी खराब हो जाए तो मैं तो मेरा तो पूरा खत्म हो गया, बात ही खत्म हो गई। तो ऐसी क्या चीज है कि ये बैटरी पूरी बैटरी होती है लिथियम? नहीं, ब्लॉक होते हैं क्या इसके अंदर? इसमें ब्लॉक्स होते हैं, इसमें मॉड्यूल्स होते हैं सर, जो भी सेल वीक होगा आपका वो रिफिल होगा, पूरा का पूरा बैटरी कंसोल चेंज नहीं होगा। अच्छा, सिर्फ आपका जिस भी मॉड्यूल का सेल वीक होगा वो उसमें से चेंज होगा, तो जो भी उसकी कॉस्ट 7,000 है 10,000 है वो आपको कॉस्ट पे करना है, अदरवाइज इसका कोई इतना। फिर तो बहुत बढ़िया चीज है, अगर तो ऐसा कोई चीज है तो फिर तो बहुत बढ़िया कि गाड़ी की फुल कहीं नहीं तो ह्यूमर फैले हुए कि भाई बैटरी पूरी चेंज होगी, ऐसा नहीं है? नहीं, तो बहुत बढ़िया चीज है, ह्यूमर है सर मार्केट में, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर तो बहुत बढ़िया चीज है विपिन जी। देखिए दोस्तों, ये गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है जो कि फ्यूचरिस्टिक के लिए एडवांस है, फ्यूचरिस्टिक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, और डिजाइन वाइज Hyundai का एक लेजेंडरी प्रोडक्ट यानी पोनी से इंस्पायर है। ऑल ओवर जो अगर हम गाड़ी की बात करते हैं, सुपीरियर है, अप टू मार्केट है, डिजाइन वाइज एलिगेंटी है, फीचर एडास जैसा फीचर, ब्लू लिंक जैसा फीचर, अगर कहें पूरे तरीके से आप कनेक्टेड रहेंगे, चाहे वर्ल्ड में आप अमेरिका हो, कनाडा हो, कहीं पे भी हो, आप अपनी गाड़ी के साथ कनेक्टेड रहेंगे। अगर हम फीचर के मामले में बात, मुझे एक अच्छा फीचर लगा दोस्तों कि जब मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ, रिक्लाइनिंग पोस्चर का पोजीशन जो दिया गया है बहुत अच्छा फीचर है, जब भी मैं बैठता हूँ मैं रिलैक्स करके जा सकूँ, अगर मेरा ड्राइवर ड्राइव कर रहा है तो मैं आराम से रिलैक्स होकर जा सकूँ, क्योंकि बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फीचर भी है, और आने वाले टाइम के लिए ऐसा मैंने आई थिंक किसी कार में इतने बजटेबल में नहीं देखा, क्योंकि बहुत अच्छा एडवांटेज और फीचर है, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। विपिन जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पेज पे आए, हमें गाइड किया आयोनिक 5 के बारे में, जो कि वर्ल्ड क्लास कार है, जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा। देखिए मुझे जो चीजें अच्छी लगी, सबसे बड़ी बात कि एक तो फ्यूचरिस्टिक है, ऐसा डिजाइन मैंने कभी नहीं देखा, ऐसे क्वालिटाइज फीचर मैंने कभी नहीं देखे,
ऐसा एम्बियंस नहीं देखा किसी गाड़ी का। सर, इस कंपटीशन के किसी भी सेगमेंट में इस तरह के फीचर्स, उस तरह का स्पेस आपको नहीं मिलेगा जो आपको सिर्फ आयोनिक में मिलेगा। मुझे एक्चुअली क्या लगा, एक तो जो मुझे अच्छा लगा, एक तो विजन बहुत अच्छा है, स्पेस भर भर के है, रिसाइकलेबल प्रोडक्ट्स तो यूज करे हुए हैं, और अच्छी बात कही। देखिए, अगर फ्यूचर में 350 किलोवाट का अगर चार्जिंग पोर्टल आता है तो हमारी गाड़ी 18 मिनट में चार्ज हो जाएगी, ऐसी फीचर जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। देखो, साथ ही में अगर 6 घंटे में अगर मेरी गाड़ी, सिमर जी आपके पास डीसी चार्जिंग का ऑप्शन है, अगर 1 आवर में आप चार्ज करना चाहते हैं तो 50-60 किलोवाट के चार्जर मार्केट में आ चुके हैं। बिल्कुल, टाटा पावर के जितने भी इंडियन ऑयल्स के पंप हैं, आप तो इजीली वहां से अपनी कार को चार्ज कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, आपको कैसी लगी ये चीज, और वीडियो और आपके लिए एक स्पेशल कंटेंट लेके आया हूँ जिसमें हमने आयोनिक के बारे में एक टेस्ट एक छोटा सा फीडबैक बनाया ताकि आपको थोड़ा सा व्यू कर सके। आने वाले टाइम में एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन बनाएंगे जिसमें आपको फीचर एडवांटेज और आपको गाइडेंस भी करेंगे। तो दोस्तों, आप मिस्टर विपिन जी को कनेक्ट कर सकते हैं, और विपिन जी आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए ताकि लोग आपसे कनेक्ट हो सकें, ताकि आपको लोगों को गाइड करने में हेल्पफुल मिले। तो मेरा नाम विपिन शर्मा है और मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9915031691। तो दोस्तों, आप भी नोट डाउन कर लेना, जरूरी नहीं है कि आपने आयोनिक 5 के बारे में क्वेरी करनी है, हुंडई क्रेटा भी हो सकती है, वरना भी हो सकती है, चाहे आप छोटी ड्राइव सिटी के लिए लेने के लिए, आप ऑटोमेटिक में न्योस के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मिस्टर विपिन जी को, कनेक्ट कीजिए इनके साथ। और वीडियो कैसी लगी, पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, योर कार एडवाइजर यूट्यूब का नंबर 1 चैनल। थैंक यू।